अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइव क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका सबक का नाम है लालची चींटी, उसकी रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है हमारा, अल्फाज को मानी से मिलाई निकालम है, ठीक है। रसाई, रसाई का मतलब होता है पहुँचे, दस्तरस, सरपरस, मददगार, खबरगिरी करने वाला, तंबी, नसीहत, कासिर, मजबूर, लाचार, मावनत, इमदाद, तआवुन, बदबख्ती, बदकिस्मती, सरजनश, मुलामत, धमकाना या तंबी। अगला सवाल है, आपके ख्याल में मक्खी ने चींटी को शहर तक रसाई क्यों दी, कहीं इसका अमल दुरुस्त था, दोनों सूरतों में वजह लिखें। मक्खी ने इनाम के लालच में चींटी को शहर तक रसाई दी और चींटी को शहर में हंसा दिया। मक्खी का ये अमल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। ये दुनिया मकाफाती अमल है, अगर हम आज दूसरों को नुकसान देंगे तो कल को हमें भी ये नुकसान भुगतना पड़ सकता है। कहते हैं इस कहानी में कौन से सबक पोशीते हैं, ज़रा बात करके लिखें। यानी हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। सबसे पहला सबक हमें ये मिलता है बेटा इस चैप्टर को रीड करने से कि लालच बुरी बला है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और नादान दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगर परदार चींटी चींटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो कहानी का इख्तिताम क्या होता, सोच कर अपने अल्फाज में लिखें। अगर परदार चींटी चींटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो चींटी शहद में ही मर जाती, क्योंकि वो शहद में फंस चुकी थी और इस तरह से सारा शहद भी ख़राब हो जाता और मक्खियों की मेहनत भी ज़ाया चली जाती। अगला क्वेश्चन जो था बेटा वो था कि हकीकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है कि इंसान हीरस और लालच का शिकार हो जाता है, साथियों से बात करके लिखें। ये काम तलबा ने खुद करना था, वजह बताएं कि हम अपनी ज़िंदगी में लालच और हीरस का शिकार अगर होते हैं तो किन वजूहात की बिना पर होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, शहर के मुखों का इंटरव्यू करना हो तो कौन से 5 सवालात आप बनाएंगे। सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि शहद बनाने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, शहद तैयार करने में कितना अर्सा लगता है, एक छत्ते में कितनी मक्खियाँ होती हैं और जो उन मक्खियों में रानी मक्खी होती है वो क्या काम करती है, ज़्यादा अच्छा शहद किस मौसम में बन सकता है। अगला सवाल देखें, फ़र्ज़ करें आप शहद का कारोबार करने जा रहे हैं और कारोबार के इश्तहार साजी के लिए शहद की बोतल का कोई मुनासिब नाम और उसकी खसूसियात और फ़वाद तजवीज़ करें। तो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने शहद को सेल करना हो तो ये बोतल है, इसका हम नाम बनाएंगे पहले, फिर उसकी खसूसियात और फ़वाद। नाम हम ये देंगे शहद खाएं सेहत बनाएं। अब उसकी खसूसियात और फ़वाद देखें, ताज़ा और ख़ाली शहद खून की कमी दूर करता है, सर दर्द और खांसी से निजात दिलाता है, जिस्मानी थकान को दूर करने में मदद देता है। और आगे उसकी वज़न और मालूमात हम लिखेंगे कि 1500 रुपए में 500 ग्राम खालिस शहद हासिल करें, पहले आएं पहले पाएं, खालिस और ताज़ा शहद की दस्तयाबी हर वक्त मौजूद है। तो ये बेटा काम हम पहले कर चुके थे, सिर्फ हम अब इसकी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो स्टूडेंट्स का काम भी कंप्लीट करेंगे, देन आप इसको अच्छे से याद करेंगे। लेकिन यहाँ वर्कबुक से पहले आप रीडिंग बुक की रीडिंग लाजमी किया कीजिए, ताकि आपको वर्कबुक के क्वेश्चन समझने में आसानी हो और रीडिंग बुक के चैप्टर के रीडिंग करने के बाद आप उसकी जो फीलिंग जी ब्लैंक्स है, रीडिंग बुक का काम है वो भी साथ रिवाइज करना है और देन आपने ये वर्कबुक का काम कम्प्लीट करना है और इसे अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।